स्पेशल भेज थाली, इसके लिए पूरी, खीर, सलाद मेरे ट्रिक से बनाएगा, आलू परवल का फ्राई, पुलाव, तड़का, पनीर का सब्जी शिमला मिर्च वाली और आम की चटनी पुदीना के साथ। चलिए न्यू ट्रिक से बनाते हैं थाली। नमस्ते, शीला के रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज थाली तैयार करते और वो भी 40 मिनट के अंदर भेज थाली। पहले चलते हैं खीर बनाने के लिए, वो भी कुकर में बनाते हैं कि हमारी खाना जो है जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, इसके लिए कुकर में बनाते हैं। चावल है, बासमती चावल का खीर बना रहे हैं। 1.5 लीटर दूध है क्रीम वाली, पहले से उबाल कर रखे हैं। चावल 250 ग्राम था, 1.5 लीटर दूध था, उसमें 10 से 15 धागा केसर के डाल दिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, चीनी डाल दिए, सब डाल करके जो आसान तरीका से बन जाए इलायची का पाउडर। कुकर को बंद करके बस 2-4 मिनट में हमारी खीर जो है वो तैयार हो जाएगी। गैस पर चढ़ा देते हैं, हाई फ्लेम कर देते हैं गैस को और खीर चढ़ा देते हैं। देखिए मेरे ट्रिक से बनाइएगा, बहुत सारा आपके घर में मेहमान जब आते हैं जल्दी खाना तैयार हो जाएगा, एकदम आसान तरीका से बताते हैं। मेरा खीर जो है वो तैयार हो गया। अब चलते हैं दाल तड़का, चना दाल की तड़का बनाने के लिए। गैस जला दिए, दूसरा कुकर चढ़ा दिए, उस पर सरसों के तेल में बना रहे, आप घी में भी बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया, उसमें जीरा, लाल मिर्चा, तेजपत्ता डाल दिए, 2 हरा मिर्चा भी डाल दिए, प्याज, टमाटर, सब आसान तरीका से बता रहे हैं कि आप कितना जल्दी बना सकते हैं भेज थाली स्पेशल, इसके लिए सारा ट्रिक्स बता रहे हैं। यहाँ पे प्याज टमाटर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिए, उसमें अदरक और लहसुन के 1 चम्मच पेस्ट डाल दिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए, 1 चम्मच लाल मिर्चा का पाउडर डाल दिए, 1/2 चम्मच गर्म मसाला का पाउडर डाल दिए और 1 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार दीजिएगा। इस तरह से हल्का सा चला दीजिए, मसाला हल्का पक जाए। उसके बाद दाल जो है, पहले मखान डाल देते हैं और दाल पहले से साफ करके रखे हुए हैं फुला करके। इसको कम से कम चना दाल जब बनाते हैं, जब भी कभी बनाए तो 1-2 घंटा फूलने के लिए डाल दीजिए, तब दाल बनाइए तो ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा बनता है, 2-4 सीटी में बन जाती है। नहीं, अगर बिना फुलाए हुए बनाते हैं, मैंने बिना भिगाए हुए, तो आपको 5 से 7 सीटी लगाना पड़ेगा। दाल जो है मेरा तैयार हो गया। अब खीर जो बनाए थे सो देखिए कितना गाढ़ा खीर है, अब केसर के कारण कलर देखिए कितना अच्छा पीला आ गया। खीर भी तैयार और मेरा दाल भी तैयार हो गया। दाल पूरा सॉफ्ट गाढ़ा है, अगर आप चाहिए तो इसमें पानी भी मिला सकते हैं, कितना आदमी के लिए आप बनाते हैं उसी हिसाब से। थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिया, उसको चला करके ढक करके रख देते हैं। अब चलते हैं दूसरे चीज़ बनाने के लिए। अब मेरा कढ़ाई जो है वो गर्म हो गया गैस पर, सरसों के तेल में बना रहा है आलू और परवल का फ्राई वाली सब्जी, सब्जी नहीं कहिए भुजिया कहिए, और काला सरसों जो होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आपके शहर में क्या कहते हैं, हम लोग सरसों कहते हैं, काला वाली तोरी भी बहुत लोग कहते हैं, उसको डाल दिए, 2 हरा मिर्चा डाल दिए। तीखा खाना है, चटपटा खाना है तो थोड़ा और मिर्चा डाल सकते हैं। पहले क्या किए, 1 परवल को 4 बार कटिंग किए हैं, मोटा ही रहने दिए हैं, उसको हल्का सा चलाकर ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। परवल जो है मेरा आधा पक चुका है, अब इसमें आलू ऐड कर देते हैं, आलू भी मोटा ही कटिंग करके रखे हैं। इस तरह का अगर भुजिया आप बनाते हैं घर में तो बच्चे लोग भी बहुत शौक से खाते हैं, पसंद करते हैं मोटा वाला भुजिया जो होता है। हल्का सा लगता है कि सरसों तेल और डालेंगे तो 1 चम्मच सरसों तेल और फिर से डाल दिए, फिर ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। अब इसमें मसाला ऐड कर देते हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, 1/2 चम्मच काला मिर्च का पाउडर, सब डालकर गैस के लो फ्लेम रखेंगे और धीरे धीरे चला करके ढक देंगे फिर से पकने के लिए। इस तरह से मेरा जो भुजिया है वो आप तैयार हो गया। अब चलते हैं दूसरा चीज़ बनाने के लिए। अब चलते हैं पुलाव बनाने के लिए, एकदम आसान तरीका से जल्दी बन जाए। कुकर को गैस पर डाल दिया, रिफाइंड तेल 2 चम्मच डाल दिए,
दो चम्मच घी डाल दिए। दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, एक तेजपत्ता है, सबको डाल दिए। अब इसमें बीन्स और गाजर, उसको हल्का सा चला देते हैं। फिर इसमें मटर जो है वो ऐड कर देते हैं और चावल को डाल देते हैं। देखिए कितना आसान तरीका बताएं, इस तरह से दो से चार बार आप चलाइए। इसमें हल्का सा आधा चम्मच जो है वो हम नमक ऐड कर देंगे। चावल जो हल्का भुना गए, आधा चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी और नमक दोनों मिलाकर और पुलाव में डालते हैं तो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट गजब का रहता है। नाप तौल से बनाए हैं, अगर एक गिलास चावल दिए हैं तो दो गिलास पानी डालना है, उसी हिसाब से अब जितना चावल डालना है। गैस को बंद कर दिए, दो सीटी लगेगा, पुलाव मेरा तैयार हो गया। अब चलते हैं पनीर के सब्जी के लिए। पनीर के छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिया। अब ग्रेवी के लिए क्या किए, एक प्याज दो टमाटर डाल दिए, पाँच से सात नहीं 10 के लगभग काजू है उसको डाल दिए। इसमें थोड़ा पानी डाल करके बस इसमें पीस दिए हैं, थोड़ा दरदरा ही है। कढ़ाही जो है गैस पर चढ़ा दिए हैं, रिफाइंड तेल में बना रहे हैं पनीर की सब्जी। इसमें क्या करते हैं, तेल, रिफाइंड और बटर, अमूल का बटर है उसको यूज करते हैं। बटर से पनीर का सब्जी बनाते तो पूरा स्पॉन्जी पनीर बनता है। सारा पनीर को एक बार डाल दिए, इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा फ्राई हो जाएगी तब सब्जी बनाते। इसके लिए शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, मोटा मोटा जो कटिंग होता है उस कटिंग करके हम रखे हैं। देखिए मेरा स्टाइल का सब्जी, और जल्दी बनेगी। आपको 40 मिनट के अंदर स्पेशल भेज थाली तैयार करना है। और कितना जल्दी, इसीलिए हर चीज़ हम कुकर में बनाए हैं, खीर भी, दाल भी, सब्जी भी, मतलब सब्जी कहते पुलाव भी, हर चीज़ बनाए उसी तेल में। और बटर दिए हुए हैं, दो मिर्चा, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल करके हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो हम जार में जो पीसे हैं टमाटर, प्याज और काजू, वो दोनों सब पेस्ट जो है उसमें ऐड कर दें। अब इसको धीरे धीरे गैस पर पकाते रहना है। जब मसाला पूरी तरह से पक जाए उसके बाद मसाला सब ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें थोड़ा सा और बटर डाल देते हैं और गैस जो है लो फ्लेम पर ही, उसी कढ़ाई में बनाए हैं जिस कढ़ाई में हम पनीर को फ्राई किए थे। मसाला ऐड कर देते हैं, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्चा का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच सब्जी मसाला। हम लोग घर में ही सब्जी मसाला तैयार करते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मसाला को भूनना है। नमक स्वाद अनुसार मसाला पूरा भुना जाएगा, उसके बाद पानी हम ऐड करेंगे और बहुत टेस्टी सब्जी तैयार होगा। अभी फिर से इसमें जो कच्चा हम प्याज, शिमला मिर्च कटिंग करके रखे हैं मोटा मोटा आकार में, उसको ऐड कर देंगे। हल्का सा चलाएंगे, उसके बाद ढक देते हैं। शिमला मिर्च और जो मोटा प्याज काट करके डाले हैं, ये आप शिमला मिर्च वाली पनीर कह सकते हैं, बहुत टेस्टी सब्जी था। उसका टमाटर को भी बीज हटा करके कटिंग करके रखे थे मोटा मोटा में, बड़ा साइज में, उसको ऐड कर देंगे। अब इसमें पनीर जो है उसको डाल देते हैं। अब इसमें पानी जो है आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि अच्छी तरह से मसाला सब्जी सब अच्छी तरह से पक जाए। बहुत टेस्टी सब्जी है और बहुत हेल्दी सब्जी है, कम तेल मसाला में सब्जी तैयार हुआ। इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, सब्जी पक जाएगा। अब सब्जी जो है मेरा तैयार हो गया है। देखिए कितनी अच्छी लगती है सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी, एकदम हरा हरा शिमला मिर्च टमाटर दिखाई पड़ता है। अब गैस जो है वो बंद कर देंगे,
ऊपर से धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। धनिया पत्ता का फ्लेवर तो बहुत, कोई भी सब्जी में आप धनिया पत्ता डालिए टेस्ट ही बदल जाता है। अब सब्जी मेरा तैयार हो गया। अब चल पुलाव दिखा देते हैं जो पुलाव बनाए थे। देखिए एक भी चावल जो है सटा हुआ नहीं है साथ में, कितना बहुत अच्छा पुलाव तैयार हुआ है। चलिए अब चलते हैं चटनी बनाने के लिए। आम कच्चा आम है, सीजन है अभी। पुदीना का पत्ता आम डाल दिए, धनिया का पत्ता डाल दिए, इसमें हरा मिर्च और लहसुन 5 से 7 कली लहसुन, जीरा भुना हुआ और नमक स्वाद अनुसार। और सरसों का तेल जो है साथ में डाल देते हैं, थोड़ा पानी डाल दिए, चटनी जो है मेरा तैयार हो गया। बहुत अच्छा, मतलब बहुत टेस्टी चटनी लगता है। इस तरह का चटनी पुदीना का बनाइएगा तो बहुत टेस्टी लगता है। अब चलते हैं आटा गूंथने के लिए। गेहूं का आटा का पूरी बनाएंगे, मसालेदार पूरी। इसके लिए नमक, जमाइन, लाल मिर्चा और फिर 2 से 3 चम्मच रिफाइंड तेल, सबको अच्छी तरह से गूंथ लेना है। ये कश्मीरी लाल मिर्च डालने से क्या होता है, पूरी या कोई सब्जी में डालते हैं तो आपको कलर देखने में अच्छा लगता है। इस तरह से इसको गूंथ करके हल्का हल्का पानी दे करके, अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और आटा का डो तैयार करेंगे जैसे हम लोग पूरी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं उस तरह। अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। जितना अच्छा से आटा को डो तैयार करिएगा उसी तरह से फूला फूला पूरी आपका तैयार होता है। और आटा का डो तैयार करके और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए, तब पूरी बनाते हैं तो और फूला फूला पूरी और सॉफ्ट पूरी तैयार होता है। चलिए अब छोटा छोटा लोई काट करके, इतना ही छोटा छोटा हम पूरी तैयार कर लेते हैं। पूरी जो है एकदम पतला नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा मोटा। बीच वाली जो पूरी है उस तरह से क्या होता है, पूरी को जब हम लोग सेकते हैं और फ्राई करते हैं पूरी, तो पूरा फूला फूला रहता है और पूरा खाने में भी पूरा क्रिस्पी लगता रहता है पूरी। इसलिए पूरी जब बनाते हैं तो थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए, बहुत पतला नहीं बनाना है। इसी तरह से बारी बारी से सब पूरी को बना लेंगे। कढ़ाई जो है लोहा वाला वो गैस पर चढ़ा दिए हैं और रिफाइंड तेल डाल दिए इसमें। अब पूरी को फ्राई कर लेते हैं, सेक लेते हैं पूरी। देखिए कितना फूला फूला पूरी तैयार आपका हो गया, एकदम देखने में भी खूबसूरत लग रहा है पूरी, एकदम लाल लाल। इसी तरह से बारी बारी से हमको सब पूरी तैयार कर लेना है। इस तरह से मेरा पूरी तैयार हो गया। देखिए कितना फूला फूला पूरी है, एकदम बहुत टेस्टी। चलिए थाली तैयार करते हैं। अब थाली में एक एक करके पुलाव निकालें, पनीर तड़का है, उसके बाद पनीर का और शिमला मिर्च का जो सब्जी बनाए सो है, आलू और परवल का फ्राई, खीर, कुछ सलाद कटिंग करके रख दिए, उसका बीच में पूरी रख देते हैं और जो चटनी बनाए थे वो चटनी। इतना टेस्टी और इतना देखने में खूबसूरत थाली लग रहा था और खाने में तो इतना टेस्टी था। एक गिलास पानी साथ में रख देते हैं और थाली जो है मेरा रेडी हो गया। पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा।